बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। आपको बता दें कि जनपद बहराइच में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। जी आपको बता दें, बहराइच की पॉक्सो कोर्ट ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पिता पर 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जी आपको बता दें, चलिए, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अपनी ही नाबालिग बेटी से धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले पिता को पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने महज 3 महीने में ही सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी की पत्नी ने FIR दर्ज कराई थी। पीड़िता का भाई भी गवाह था। आरोपी को पॉक्सो कोर्ट के जज नितिन पांडे ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि पूरा मामला बहराइच के जिले के सुजौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर नानू खां 40 वर्ष अपनी नाबालिग बेटी को धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने नाबालिग उम्र में ही बेटी का निकाह भी कर दिया था, बावजूद उसके वो उसे ससुराल भी नहीं भेज रहा था। इसकी जानकारी जब पीड़ित की मां को हुई तो उसने बीते 25 अगस्त को सुजौली थाने में अपने पति के खिलाफ तहरीर देकर पॉक्सो एक्ट समेत दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेडिकल टेस्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हो गई। इसके बाद पुलिस ने कम समय में ही चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो जज नितिन पांडे ने इस जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मुकदमा चल रहा था पॉक्सो कोर्ट फर्स्ट में, जनपद बहराइच के श्री नितिन कुमार पांडे साहब की कोर्ट में, राज्य बनाम नानू खां, थाना सुजौली का था। ये अपराध संख्या 122/21 थी और इसमें चार्ज बनाया गया था 376/3, 323/506 और पॉक्सो का 5P/6 पॉक्सो एक्ट में। इसमें FIR दर्ज हुई थी 25/8/21 को FIR दर्ज हुई थी। इस FIR के दर्ज होने के बाद इसमें चार्ज बना इन धाराओं में और फिर इसमें प्रोसिक्यूशन के द्वारा साक्षी, इसकी जो वादी मुकदमा थी पीड़िता की, मुकदमा दर्ज कराया था इसकी माता द्वारा। इसमें इसका साक्षी, इसका सगा भाई था, 2 अन्य गवाह पड़ोसी थे और इसके बाद, इस ट्रायल के बाद आज अदालत ने इनको सभी धाराओं में दोषी पा करके और 5P/6 में इनको आजीवन मृत्युदंड से दंडित किया। ये इनका कृत्य ऐसा था, अक्षम्य था, एक पिता के द्वारा लगातार अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया गया था। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 12-13 साल थी, इस अपराध को गंभीर मानते हुए, विरलतम मानते हुए कोर्ट ने इसमें फांसी की सजा इसको। मेरा नाम संत प्रताप सिंह है, मैं विशेष जिला शासकीय वक्ता।